नमस्कार दोस्तों, ये 10वीं गणित है। बैंकिंग ब्याज निकालना जानेंगे, लॉग और एंटी लॉग का मान देख करके जानेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो को देखिए। दोस्तों ये सवाल है, चरण ने ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपये 1.5 वर्ष के लिए, 1 से 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ब्याज को 3 माह में जोड़ते हैं दोस्तों, तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धन राशि होगी, अंतिम समय में कितना धन मिलेगा उनको, आखिरी में दोस्तों 1.5 वर्ष में। हल माना, चरण को परिपक्वता तिथि पर ए रुपए प्राप्त होगा, ये ए रुपए हम लोग मान लिए हैं दोस्तों। इसलिए प्रश्नानुसार मूलधन पी बराबर 1 लाख रुपए, मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं। ब्याज की दर आर बराबर 8% वार्षिक है, इसलिए तिमाही जुड़ता है तो 8/4 होगा, 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, इसलिए आर बराबर 2 होगा, यानी कि 4 × 8 दोस्तों। इस तरह से समय n बराबर 1.5 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष का समय है, यहां 6 तिमाही है, 1.5 वर्ष में 1 वर्ष में 4 तिमाही होगा और 6 माह में 2 तिमाही, 4 × 2 = 6 तिमाही दोस्तों। n बराबर 6 रखने पर, n बराबर यदि 6 रखेंगे यहां पर, तो सूत्र है a बराबर p कोष्टक 1 प्लस r बटे 100 कोष्टक पावर n है दोस्तों, घात इन है। तो हम लोग सूत्र में मान रख देते हैं, ए इज इक्वल टू 1 लाख, पी के जगह पर 1 लाख रख दीजिए, 1 लाख, 1 प्लस आर बराबर 2 तिमाही निकालना है इसलिए 2 रखेंगे, 2/100, और इन बराबर 6 है, यहां पर दोस्तों काट दीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 और 1 = 0 होगा। ए बराबर 1 लाख, 1 प्लस यहां पर 1/50 होगा, अब ये पावर 6। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 × 1/50 को देख लीजिए, 1 × 1/50 को हम हल करेंगे, इसके नीचे 1 कर दीजिए बटे में, 50 × 50 हो जाएगा, यहाँ 1 इस पे भाग करेंगे तो 50 होगा, 50 को 1 से गुणा, यहाँ पर 50 ही होगा, ये प्लस 50 × 50 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो बराबर हो जाता है 50 और 1 51/50, इस तरह 1 × 1/50 के जगह पर 51/50 रखेंगे दोस्तों, ए बराबर 1 लाख और यहां पर आया है 1/50, अब ये पावर घात है 6, इस तरह से। अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोस्तों, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लिख लीजिए, जैसे लॉग ए बराबर लॉग, इस तरह से 1 लाख और 51/50 है, 51/50 ये 6, अब ये बड़ा कोष्टक कर दीजिए, अब बराबर हो जाता है लोग 1 लाख धन
लोग 51/50, ये 50 और ये 6 बराबर होगा लोग, इसको ये हो जाता है 10/5 दोस्तों, 1 लाख का इस तरह से 10/5 प्लस ये 6 इधर कर देते हैं, 6 लोग 51 माइनस लोग ये 50 दोस्तों। यहां भी इसी तरह हो जाएगा, एक बार 5 लोग कर दीजिए और 10 प्लस 6, अब इसको लोग 51 माइनस लोग 50, ये दोस्तों। अब इसमें यहां पर इसका मान हो जाता है 5 × 1 धन 6, लोग 51 का मान, लोग 51 का मान देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो जानेंगे इसका मान होता है दोस्तों 51 का ये 70 76 होता है, और इसके आगे क्या लिखते हैं, 1 2, 2 में 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो 1 होता है, इसलिए 1 लिख करके हम पॉइंट कर दीजिए इस तरह से माइनस, और लोग 50 का मान 69/90 होता है, इस तरह से 69/90 होता है। उसी तरह 1 2 डिजिट है, 2 - 1 = 1, तो 1 पॉइंट कर दीजिए ये आसानी से दोस्तों इस तरह से। अब बराबर हो जाता है 5 + 6, अब इसको कैलकुलेट करके घटा लीजिए, ये 0.00086 होता है दोस्तों। अब इसको गुणा कर लीजिए इसके साथ, 5 + 6 के साथ, और ये गुणा होगा, इसको मल्टीपल कर गुणा करेंगे तो 0.0516 होता है दोस्तों, कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 5, इसके जगह पर आ जाता है 5.0516, इतना दोस्तों। अब एंटी लॉग है, इसमें लिख लीजिए यहां पर एंटी लॉग 5.0516 दोस्तों, इसको जो है इस तरह से बांट लीजिए 1 और 6, ये 0.05 का एंटी लॉग देखेंगे, ये पहला कॉलम में 1 नंबर के कॉलम में तो आ जाता है, इसको देख लीजिएगा, इसका 11, ये 27 होगा दोस्तों, इसका भी जो जोड़ेंगे छठवां कॉलम का तो इतना होगा 11 27 होगा दोस्तों। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका इंटीलॉग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है 11 27 × 5.0516 है, तो यहां पर 10 लिख लेते हैं, अब ये जो पॉइंट के इधर है, दशमलव के इधर जितना भी अंक रहे उसको घात में कर देते हैं, जो भी डिजिट रहे दोस्तों, ये 10^5 कर देते हैं 10 लिख करके। अब यहां पर दशमलव करना है तो 1 2 3 4, ये 4 - 1 कर दीजिए, 3 1 2 3, यहां पर इतना आया दोस्तों एंटीलॉग। अब इसको गुणा करके देख लीजिए,
10 का पावर 5 है तो ये कितना होता है? इससे गुणा करेंगे तो आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है, इसका कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1,12,000 ये 700 रुपये दोस्तों, इतना रुपए अंतिम में उनको प्राप्त होगा दोस्तों, चरण को। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं लॉग एंटी लॉग देख करके दोस्तों। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।